स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हेबर वॉश प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विकल्प ए, यह दवा से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर नाइट्रस ऑक्साइड का संश्लेषण करता है। विकल्प बी, यह उर्वरक उत्पादन के लिए हाइड्रोजन के संश्लेषण की एक औद्योगिक विधि है। विकल्प सी, यह वायु से नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ संयोजित करके अमोनिया का संश्लेषण करता है। या विकल्प डी, यह सिंथेटिक रबर के उत्पादन के लिए एक औद्योगिक विधि है। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी, यह वायु से नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ संयोजित करके अमोनिया का संश्लेषण करता है। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बेलारूस इसके संस्थापक सदस्यों में से एक था। दूसरा, इसका सचिवालय शंघाई चीन में स्थित है। तीसरा, भारत और पाकिस्तान दोनों ही SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी ढांचे यानी RATS का हिस्सा हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी केवल तीन या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए केवल एक। इसकी स्थापना 6 संस्थापक देशों अर्थात कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा की गई थी, अतः कथन एक सही नहीं है। इसका सचिवालय बीजिंग में स्थित है जो संगठन के दैनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार है, अतः कथन दो सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे 1973-74 के बड़े तेल संकट से निपटने में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD के सदस्य देशों द्वारा बनाया गया था। दूसरा, IEA के लिए उम्मीदवार देश को OECD का सदस्य देश होना आवश्यक नहीं है। तीसरा, भारत ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट IEA के प्रमुख रिपोर्ट में से एक है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी सभी तीन। भारतीय आर्द्रभूमि के संदर्भ में उल्लिखित प्रवासी पक्षियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला, साइबेरियाई क्रेन मुख्य रूप से पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं और इन्हें गंभीर संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा, फ्लेमिंगो अपने चमकीले गुलाबी पंखों के लिए जाने जाते हैं तथा लेसर फ्लेमिंगो की IUCN स्थिति खतरे में है। तीसरा, ग्रेट व्हाइट पेलिकन को लुप्तप्राय श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है और उनकी आंखों के चारों ओर विशिष्ट गुलाबी त्वचा के धब्बे होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक और दो, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और तीन या विकल्प डी एक दो और तीन। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए केवल एक और दो। ग्रेट व्हाइट पेलिकन को कम चिंताजनक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, न कि लुप्त प्राय के रूप में। इसके अतिरिक्त नर पेलिकन की आंखों के चारों ओर एक गुलाबी धब्बा होता है, लेकिन इससे उनकी संरक्षण स्थिति प्रभावित नहीं होती है, अतः कथन तीन सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उमंग ऐप को डिजी लॉकर के साथ एकीकृत किया गया है ताकि नागरिक एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न सरकारी सेवाओं का प्रबंधन कर सके। दूसरा, डिजी लॉकर उपयोगकर्ताओं को ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र आदि जैसे सरकारी दस्तावेजों के डिजिटल संस्करणों को संग्रहित करने और उन तक पहुंचने की अनुमति देता है। तीसरा, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग की स्थापना गृह मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत वर्ष 2022 में की गई थी। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी केवल दो। वर्ष 2009 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन पूर्व में मीडिया लैब एशिया के तहत एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग के रूप में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग बनाया गया था, अतः कथन तीन सही नहीं है। मीथेन चक्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मीथेजोनिन्स अधिक मीथेन का निर्माण करते हैं जिनका उपभोग मीथेनोट्रोप्स द्वारा किया जाता है। दूसरा, मीथेनोट्रोप्स शुष्क ऑक्सीजन युक्त मृदा की ऊपरी परतों में रहते हैं। तीसरा, पृथ्वी के वायुमंडल से मीथेन को निष्कासित करने का मुख्य तंत्र बाह्य मंडल के भीतर ऑक्सीकरण है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी केवल दो। पृथ्वी के वायुमंडल से मीथेन को निष्कासित करने का मुख्य तंत्र हाइड्रोक्सिल रेडिकल द्वारा क्षोभ मंडल के भीतर ऑक्सीकरण है, अतः कथन तीन सही नहीं है। SpaceX के स्टारशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, स्टारशिप में एक बूस्टर होता है जिसे सुपर हेवी कहा जाता है।
तथा एक ऊपरी भाग होता है जिसे स्टारशिप अंतरिक्ष यान कहा जाता है। बी, यह अब तक निर्मित सबसे बड़ा रॉकेट है जो सैटर्न 5 रॉकेट से भी ऊंचा है। सी, स्टारशिप को केवल चालक दल और माल को पृथ्वी की कक्षा तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए केवल 1 और 2। इसे पृथ्वी की कक्षा से परे चालक दल और कार्गो ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें चंद्रमा और मंगल ग्रह के मिशन भी शामिल है। अतः कथन 3 सही नहीं है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारतीय पर्यावरण सोसाइटी द्वारा जारी एक वार्षिक रिपोर्ट है। दूसरा, केवल 50 वर्षों में निगरानी की गई वन्यजीव आबादी के औसत आकार में 73% की गिरावट आई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 संरक्षण संगठन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का एक द्विवार्षिक मूल्यांकन है, अतः कथन 1 सही नहीं है। नोबेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्ष 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार हिरोशिमा नागासाकी परमाणु विस्फोटों में जीवित बचे लोगों के एक जापानी संगठन निहोन हिदानक्यो को प्रदान किया गया है। दूसरा, वर्ष 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार आधुनिक कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क और मशीन लर्निंग के लिए दिया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका गठन वर्ष 2005 में भारत के नेतृत्व वाली पहल के रूप में किया गया था। दूसरा, आसियान समूह के सदस्यों को छोड़कर इसके 18 सदस्य देश हैं। तीसरा, EAS सदस्यों की विश्व की जनसंख्या में लगभग 53% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 60% हिस्सेदारी है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए केवल 1। EAS की स्थापना वर्ष 2005 में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन के नेतृत्व वाली पहल के रूप में की गई थी, अतः कथन 1 सही नहीं है। EAS में 18 सदस्य अर्थात 10 आसियान देश ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम तथा 8 संवाद साझेदार ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस एवं संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सुनिश्चित करता है कि वर्ष 2030 तक क्षीण हो चुके स्थलीय, अंतर्देशीय, जल तथा समुद्री और तटीय पारिस्थितिक तंत्र के कम से कम 30% क्षेत्रों का प्रभावी पुनर्स्थापन हो जाए। दूसरा, इसका लक्ष्य सामूहिक वैश्विक प्रयासों को संदर्भित करना है, न कि प्रत्येक देश द्वारा अपने भूमि और जल क्षेत्र का 30% आवंटित करने की आवश्यकता को। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नीति आयोग ने संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से यह पाइपलाइन तैयार की है। दूसरा, NMP के अंतर्गत पाइपलाइन मूल्य में सबसे बड़ी हिस्सेदारी विद्युत क्षेत्र की है। तीसरा, इस पहल के अंतर्गत सरकार परिसंपत्तियों का प्राथमिक स्वामित्व अपने पास रखती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी केवल 2। इसके शीर्ष 5 क्षेत्रों में सड़क कुल पाइपलाइन मूल्य का 27%, रेलवे 25%, विद्युत 15%, तेल और गैस पाइपलाइन 8% तथा दूर संचार 6% शामिल हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। भारत में फ्रेंच से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में पहला फ्रांसीसी कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। दूसरा, उन्होंने मालाबार में माहे और कोरोमंडल में यनम पर कब्जा कर लिया।
तीसरा, फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में डुप्ले के आगमन से एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष की शुरुआत हुई। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन, या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है विकल्प बी केवल दो। वर्ष 1742 में भारत में फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में डुप्ले के आगमन के साथ ही एंग्लो फ्रेंच संघर्ष यानी कर्नाटक युद्ध की शुरुआत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में इनकी अंतिम हार हुई। अतः कथन तीन सही है। वर्ष 2024 में दिए गए साहित्य के नोबेल पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ऐतिहासिक आघातों और जीवन की नाजुकता का पता लगाने वाले गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दक्षिण कोरियाई उपन्यासकार हांगकांग को यह पुरस्कार दिया गया है। दूसरा, हांगकांग साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली दक्षिण कोरियाई लेखिका है। तीसरा, साहित्य का नोबेल पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे की नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? विकल्प ए केवल एक और दो, विकल्प बी केवल दो और तीन, विकल्प सी केवल एक और तीन, या विकल्प डी एक दो और तीन? इसका सही जवाब है विकल्प ए केवल एक और दो। साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में स्वीडिश अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है, न कि ओस्लो नॉर्वे की नोबेल समिति द्वारा, जो कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए जिम्मेदार है। अतः कथन तीन सही नहीं है। हाल ही में चर्चा में रहा अल्फा 4-2 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकल्प ए जलवायु परिवर्तन का पूर्वानुमान, विकल्प बी प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी, विकल्प सी क्वांटम कंप्यूटिंग, या विकल्प डी अंतरिक्ष अन्वेषण? तो इसका सही जवाब है विकल्प बी प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी। असम समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह केंद्र सरकार, असम राज्य सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता है। दूसरा, पीके मोहंती समिति ने समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाए हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो? तो इसका सही जवाब है विकल्प ए केवल एक। इस समिति की अध्यक्षता असम उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विप्लव कुमार शर्मा ने की, और इसमें न्यायाधीश, सेवानिवृत्त नौकरशाह, लेखक, आसू नेता तथा पत्रकार शामिल थे। अतः कथन दो सही नहीं है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।